नमस्कार भक्तों, आज हम मंगलवार व्रत कथा और प्रीति का संपूर्ण श्रवण करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना उत्तम होता है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन की सामग्री को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान ना हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। उत्तम बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये उल्टा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, ये बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सर्व सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार मंगलवार व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार।